वॉल्यूम नंबर सत्ताईस हदीस नंबर छः सौ इक्यावन हज़रत अबू हुररा रज़ील्ला तन से रिवायत है कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया औरतों के लिए जायज़ नहीं कि अपने शौहर की मौजूदगी में उसकी इजाज़त के बगैर नफली रोज़ा रखे और ना ही उसकी मर्जी के बगैर किसी अजनबी को घर में आने दे और जो औरत अपने शोहर की इजाजत के बग़ैर शोहर के माल में से खर्च करती है तो उसका आधा सवाब शोहर को भी मिलता है हदीस नंबर छः सौ बावन हज़रत ओसामा बिन जैद रज़िल्ला तन ने कहा कि अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैंने मेराज के वक्त जन्नत के दरवाज़े पर खड़े होकर देखा कि उसमें ज़्यादातर मोहताज और गरीब लोग थे और मालदारों को दरवाज़े पर रोक दिया गया है लेकिन मालदारों को तो पहले ही जहन्नुम में भेजने का हुक्म दे दिया गया था फिर मैंने दोजक़ के दरवाजे पर खड़े होकर देखा तो उसमें ज़्यादातर औरतें थीं हदीस नंबर छः सौ तिरपन हज़रत अब्दुल्ला बिन जुमा ताला तन ने कहा कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम में कोई शख्स अपनी बीवी को ग़ुलामों की तरह न मारे हदीस नंबर छः सौ चौवन हज़रत आयशा रजी अल्लाह तह ने कहा कि अंसार की एक औरत ने अपनी बेटी की शादी की उसके बाद लड़की के सर के बाल बीमारी की वजह से गिर गए वो रसुल्ल सल्ला वसलम की खिदमत में हाजिर हुई और आपसे इसका जिक्र किया और कहा कि उसके शौहर ने उससे कहा कि अपने बालों के साथ दूसरे नकली बाल जोड़ ले अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐसा तू हरगिज़ ना कर क्योंकि नकली बाल जोड़ने वालों पर लानत की गई है और नकली बाल मर्दों को लगाना भी बड़ा गुनाह और लानत का सबब है हदीस नंबर छः सौ सत्तावन हजरत अकबा बिन आमिर रजील्ल्ला तन ने कहा कि रसुल्ल् सल्ला वसल् ने फ़रमाया औरतों के पास तन में जाने से परहेज़ करो हदीस नंबर छः सौ अट्ठावन हज़रत इबन मसूद रज़ अल्ला तन से रिवायत है कि रसुल्लु वसम ने फ़रमाया कोई औरत दूसरी औरत से मिलने के बाद उसकी तारीफ़ अपने शोहर से इस तरह न करे गोया वो उस औरत को सामने देख रहा है हदीस नंबर 661 हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रजाल्ल्ला अन ने रसुल्ल्ला सल सल्ला वसल्लम के मुबारक दौर में अपनी बीवी को हैस की हालत में तलाक़ दी तो हजरत उमर बिन ख़त्ताब ख़ाब रज़िल्ल त ने रसुल्ला सल सल्हुस से उसके बारे में हुक्म मालूम किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया उसे हुक्म दो कि अल्लाह ताला ने पाकी की हालत में औरतों को तलाक़ देने के बारे में फ़रमाया है। हदीस नंबर छः सौ बासठ हज़रत अबू हुरेरा रज़ अल्लाह अन से रिवायत है कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कोई बच्चा ऐसा नहीं है जो फितरत पर ना पैदा हुआ हो लेकिन उसके वालिदैन उसे यहूदी या नसरानी बना देते हैं हदीस नंबर छः सौ तिरसठ हज़रत सहल बिन साद रज़ील्ल्ला तन से रिवायत है कि रसूल सल्लासम ने शहादत की उंगली और बीच की उंगली से इशारा करके फरमाया मैं और यतीम की परवरिश करने वाला जन्नत में इस तरह करीब होंगे आपने दोनों उंगलियों के दरमियान कुछ फासला भी रखा था हदीस नंबर छः सौ चौंसठ हज़रत अबू हुरैरा हुररा रज़ील्ल्ला तन ने कहा कि एक शख्स सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहने लगा या रसूलल्ला मेरे यहाँ काले रंग का लड़का पैदा हुआ है आपने फ़रमाया तेरे पास ऊँट हैं उसने कहा हाँ हैं आपने फ़रमाया उनका रंग कैसा है उसने कहा उनका रंग सुर्ख है आपने फरमाया उनमें कोई मटियाले रंग का भी है उसने कहा हाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये कहाँ से आ गया कहने लगा शायद किसी रंग ने यह रंग खींच लिया हो आपने फरमाया तेरे बेटे का रंग भी किसी रंग ने खींच लिया होगा हदीस नंबर छः सौ छियासठ हज़रत उम्म सलमा तआला तह से रिवायत है एक औरत का शौहर वफात पा गया उसकी आंखों के मुतालिक घर वालों ने बीमारी की वजह से ख़तरा महसूस किया वो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और आपसे सुरमा लगाने की इजाज़त तलब की आपने फ़रमाया वो सुरमा नहीं लगा सकती क्योंकि जब तक चार महीने दस दिन पूरे ना हो जाए हदीस नंबर छः सौ सड़सठ हज़रत अबू मसूद रज़ल तन ने बयान किया कि कर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुत्ते की कीमत नजूमी की कमाई और बदकार औरत के ज़िना की कमाई खाने से मना फरमाया और तस्वीर बनाने वालों पर लानत की हदीस नंबर छः सौ अड़सठ हज़रत अबू ज़ुहैफ़ा रज़िल्ल त ने बयान किया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ई चुभोकर गोदने वाली और गुदवाने वाली सूत खाने वाले और खिलाने वाले पर लानत भेजी हदीस नंबर छः सौ उनहत्तर हज़रत अबू मसूद रजल्ला तन से रिवायत है कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब मुसलमान आदमी अपने अहलो अयाल पर अल्लाह का हुक्म पूरा करने की नीयत से खर्च करे तो उसे सदक़े का सवाब मिलता है हदीस नंबर 670। हजरत अबू हुरेरा रजियला तन ने बयान किया कि रसुल्ला वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला फरमाता है कि ए आदम के बेटे तू खर्च करता जा मैं तुझको दिए जाऊंगा हदीस नंबर 671 सौ इकहत्तर हजरत अबू हुरेरा रज्ला त से रिवायत है कर रसुल्ला सल्ला वम ने फरमाया जो शख्स बेवाओं और मोहताजों के लिए कोशिश करता हो उसका सबाब उतना जैसे कोई अल्लाह की राह में जिहाद कर रहा हो हदीस नंबर छः सौ बहत्तर हज़रत अबू हुरेरा ताला तम से रिवायत है कर रसुल्ला सल्लास ने फरमाया बेहतरीन खैरत वो है जिसे देने पर आदमी मालदार ही रहे और शुरुआत उनसे करो जो तुम्हारी निगरानी में है हदीस नंबर छः सौ तिहत्तर हज़रत अबू अल्लाह ताला अन से मरवी है कि अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर औरत अपने शोहर की कमाई में से उसके हुक्म के बग़ैर अल्लाह की राह में खर्च करती है तो शौहर को भी आधा सवाब मिलता है हदीस नंबर छः सौ चौहत्तर हज़रत असमद बिन यजीद रज़ाल्ल्ला त ने हज़रत आयशा अल्लाह अल्ला तह से पूछा घर में रसूल सल्लासम कौन से काम किया करते थे उन्होंने कहा आप घर के काम भी किया करते थे और जब अज़ान की आवाज़ सुनते तो नमाज़ के लिए बाहर चले जाते थे हदीस नंबर छः सौ पिछहत्तर हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तै ने कहा कि हिंदा बिनत उतबा ताला अल्ला ने नेर्ज़ किया या रसूल्ला सल्लाम अबू सुफियान मेरा शौहर बख़ील है और मुझे इतना नहीं देता जो मेरे और मेरे बच्चों के लिए काफ़ी हो क्या मैं उसकी जानकारी के बग़ैर उसके माल में से ले लूँ आपने फ़रमाया तुम दस्तूर के मुताबिक उतना ले सकती हो जो तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों के लिए काफ़ी हो